Okay, we are online, Facebook Live and also video recording mode. Welcome everybody. Here we are for the fourth Monday at 12 noon for you, Health is Wealth session with Dr. Jag Khalra. Dr. Jag Khalra is a very established doctor and she always bring, every time she comes on Zoom, she bring a new topic for you. So now you all must be half doctor. Listening to so nice topics, you know, I'm blessed to have this session with Dr. Jag Khalra. And we welcome spring also. As you can see, she's with all the flowers. And that's why the today topic is also readiness for spring allergies, you know. So Dr. Jag Khalra ji, welcome and here you go. Thank you, Jyoti ji. Namaste, sabko. अब ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं कि नहीं ज्योति जी, नमस्ते। कितने सुंदर फूल हैं, दिल करता है कि बाहर निकलूं और जाऊं। ओके, वी हैव बीन रेडी व्हेन वी हैव बीन घर के अंदर बैठे रहते हैं विंटर्स में और ठंड में, तो वेट कर रहे होते हैं स्प्रिंग का। स्प्रिंग आएगी, बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन स्प्रिंग के साथ प्रॉब्लम भी आती है। सो आई थॉट बिफोर वी गो आउट and we will be going out starting today. Look at how beautiful the weather is. The sun is shining. Yesterday was very nice. We all went out. Aur bahar jane se bahut acha lagta hai. Chalna, phirna, walking, everything is good. But then come also allergies. Allergies mean there are things in the environment wo hamari body unko samajhti hai ki hamare shatru hai. Aur hamari body unko अटैक करके वापस भेजना चाहती है। इट्स अ रियली डिफेंस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, बट वो प्रोटेक्शन करते करते हमको सफर कर देते हैं। तो जैसे ही हमारे को कुछ फॉरेन लगता है बॉडी में, तो हमारी बॉडी से हिस्टामिन रिलीज होती है, एक तरह का प्रोडक्ट होता है, वो हिस्टामिन से सारी प्रॉब्लम आती है। तो जस्ट टेक अ गेस, हाउ मेनी पीपल सफर फ्रॉम एलर्जी इन दिस कंट्री? स्टैटिस्टिक्स आर 60 मिलियन पीपल। Long Island is also very important, but number one पे number 10 में भी नहीं आया। Can you imagine जो जहाँ पे सबसे ज्यादा, तो Pennsylvania आया number, Connecticut आया, Texas आया, Wichita, Kansas, जहाँ भी बहुत एलर्जी है। हम भी कहीं पे हैं, लेकिन हमारे लिए अगर हमको एलर्जीज है तो हमारे लिए तो 100% ही हो गई ना। So जबकि Long Island में बहुत ग्रीनरी है, I mean that one of the reason I was gonna come to that. Yeah. हमारे लिए तो 100% एलर्जीज हो गई अगर हमको एलर्जीज है। एक तो हमारे लॉन्ग आइलैंड में क्या है, वी हैव लॉट ऑफ ग्रास, वी डोंट हैव हाई राइजर बिल्डिंग्स लाइक इन मैनहट्टन। और यहाँ पे इतना ग्रास है, इतने पॉलन्स है, सब लोग घर के अंदर फूल के पौधे लगाते हैं, यू नो वी हैव पॉलन्स, सो पॉलन्स आर गोना बी एवरीवेयर। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? पहले तो हम एलर्जी के सिम्टम्स को समझे, उसके बाद में हम देखें हम क्या कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही एलर्जीज जाती है नोज में से, द एलर्जीज आर कमिंग फ्रॉम द नोज गोइंग इन। ड्यूरिंग कोविड मे बी द एलर्जीज आर लेस, वी आर ऑल वेयरिंग मास्क, अब तो हम मास्क भी उतारेंगे। तो एलर्जीज के सबसे ज्यादा सिम्टम कौन से होते हैं? देर आर लाइक 10 सिम्टम्स विच विल बादर अस, तो लेट्स डू वन एट अ टाइम। डज एनीबडी सफर फ्रॉम स्नीजिंग? एक नहीं, दो नहीं, बहुत लोगों को मैं जानती हूँ स्नीजिंग। सडन ऑनसेट ऑफ स्नीजिंग, 40, 50, 60 स्नीजिंग शुरू होती है बिकॉज वी आर इचिंग, नोज इचिनेस, नोज की इचिंग होती है, स्नीजिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद तो बस देखो क्या होता है, आंखों में आइस पानी आ जाता है, आइस पानी आता है, पानी और टीयरिंग ऑफ द आईज, और आईज भी इच करती है। कैसे इच करती है? अभी तो मैं अपने साथ में परसों नर्स को देख रही थी, बेचारी की आंखें सूज गई इचिंग करते, शी वॉज टीयरिंग, sneezing, sniffling. So I said, obviously, the weather hasn't even started yet. She says, no, for me, mere koi bahut allergies hai. So who are the people who get these allergies? Agar aapke ek parent ko allergies hai na, 30% chances aapke bachcho ko hoegi. Agar dono parents ko allergies hai na, to samajh lo 80%, 60 to 80%. So which is very important to know, ki agar aapko allergies hai, to aap apne bachcho ko shuru se protect kar sakte hain. ये उनको बता सकते हैं, दिस इज नथिंग आई गेव यू, योर बॉडी हैज इट, सो यू कैन टेक केयर ऑफ इट। तो हमारा नोज इचिंग हो गई, हमारी स्नीजिंग हो गई, हमारी वाटरी आईज हो गई, हमारी रेडनेस ऑफ आईज हो गई, और क्या क्या सिम्टम है? और थोड़ा कफ भी होता है आई थिंक कई लोगों, साइनस, साइनस जैसे
से नोज से अंदर जाती है तो ये साइनस की दोनों की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टफ अप हो जाते हैं, तो आपकी आवाज कैसी होती है, आवाज ही नहीं निकलती बिकॉज यू आर स्टफ्ड अप नोज, और जो नोज स्टफ अप हो जाता है उसके साथ में आ जाती है हेडेक। यहाँ पे करोगे तो यहाँ हेडेक होगी, और आपने देखा होगा कई लोगों को यहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं सुबह सुबह और डार्क आईज हो जाती है, दैट्स ऑल्सो फ्रॉम साइनस। सो दीज आर कॉल्ड मैक्सिलरी साइनस एंड दीज आर कॉल्ड एथमॉइड साइनस, जिससे हेडेक होती है। तो अगर आपको थोड़ी समझ होगी तो आप कहेंगे अच्छा मेरे ये साइनस, और पीछे भी साइनस होते हैं पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइनस होते हैं। और साइनस प्रॉब्लम के साथ जो नोज के अंदर की मेम्ब्रेन होती है या स्किन होती है नोज के अंदर की, वो ना स्वेल हो जाती है। वो जब स्वेल हो जाती है तो रात को सांस नहीं लिया था, मुंह खोल के कोई खराटे मारता है कुछ, बिकॉज दे आर स्वोलन फ्रॉम एलर्जीज। उसके बाद में वो अंदर थ्रोट पे चली जाती है, थ्रोट भी ड्राई हो जाता है और थ्रोट के अंदर इच्ची, आई नो आई यूज्ड टू हैव वेरी वेरी इच्ची थ्रोट, हर वक्त मुंह ही क्लीन करते रहते थे, और वो बार बार मुंह साफ करने से जो ग्लैंड्स आती है ना दे सिक्रीट समथिंग कॉल्ड म्यूकस, एक थिक व्हाइटिश होता है, इट्स नॉट एन इन्फेक्शन, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ थ्रोट वो म्यूकस बन जाता है, वो म्यूकस बैठ जाता है गले में, तो आपको गला भी साफ करना पड़ता है जैसे ये है, और उसके बाद में अंदर तक भी जा सकते हैं, एंड इट कैन रियली इरिटेट ऑल द थ्रोट एंड देन इट कैन गो टू योर ब्रीदिंग पाइप, ब्रीदिंग पाइप में चला गया। जो लोग एस्मा के प्रोन होते हैं वो यहाँ पे उसको बोलते हैं ट्रेकिया, जहां से हम अंदर सांस लेते हैं, उसके नीचे आते हैं ब्रोंकाई और लंग्स से अटैच होती है। अगर वो ब्रोंकाई या एलर्जी से ब्रीद नहीं कर सकते, ब्लॉक हो जाते हैं, हिस्टामिन ब्लॉक्स देम, तो वो जो आवाज आती है सांस ले वो एस्मा हो सकता है, एंड एस्मा बहुत सीरियस है। आई वाज स्टंड एट द स्टैटिस्टिक्स हाउ मेनी पीपल गो टू इमरजेंसी रूम बिकॉज ऑफ 200,000 एंड 33,000 डाई एवरी डे फ्रॉम एस्मा। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो कि आपके बच्चों को ऐसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो बड़ों को तो पहले से ही चेक करा लो एलर्जिस्ट के पास, जब अभी हम ट्रीटमेंट पे आते हैं मैनेजमेंट पे, तो दैट वे यू कैन बी प्रिपेयर्ड दैट इफ द एस्मा कम्स यू हैव एवरीथिंग रेडी टू अटैक दिस एंड टेक केयर ऑफ दिस। अब एलर्जीज कितनी तरह की होती है, एलर्जीज कैन बी सीजनल, जो ज्यादा लोगों को सीजनल एलर्जी होती है 60 मिलियन लोगों को, कि हम बाहर जाते हैं, द सीजनल टू काइंड ऑफ सीजन, वन इज द सीजन नाउ which is called spring, it's also called spring fever. लगता है तो नाम बड़ा अच्छा है, मेरे को spring का fever हो गया है, लेकिन also called hay fever, आपको मालूम है hay fever भी बोलते हैं, और एक होती है अक्टूबर में different kind of pollen comes, तो ragweed वगैरह आते हैं, so there are two types of seasonal allergies, during early March or late February and during October. And कई लोगों को होती है perennial allergy, perennial means whole year. So that has totally different reason. तो अब हम आते हैं क्या चीजें हैं जो हमको एलर्जी करते हैं, तो हमको पता लगे ना सिम्टम कैसे है, वी नो व्हाट एलर्जीज आर। और एक सिम्टम और है रैश, आप अटॉपिक, आप धूप में जाते हैं, इट्स कॉल्ड सन एलर्जीज, आपकी स्किन रेड हो जाती है और इच्ची हो जाती है, और वो इतना गुस्सा चढ़ता है कि मैं धूप खाने आई और उतने इच्छी, इसलिए वो ब्लॉक सन ब्लॉक लगाना पड़ता है लोगों को बीच पे जाने के लिए। तो ये जो जी, मैं कहीं पढ़ रही थी कई लोगों को डस्ट से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। अरे बाब, हम डिफरेंट काइंड की एलर्जन एलर्जन की बात करते हैं, एलर्जेंस मीन व्हाट कॉजेज एलर्जी, तो सिम्टम को सब पता लग गया, हमको मालूम है हमको एलर्जी है। अब किस चीज की एलर्जी है, सबसे ज्यादा डस्ट, डस्ट एंड पॉलन, पॉलन तो बाहर होते हैं ज्यादा है ना, जब हवा उड़ती है तो डस्ट भी उड़ती है, पॉलन जो होते हैं दैट कम्स फ्रॉम ऑल द फ्लावर्स, मैंने आपको बताया मेरे को कितने प्यारे लगते हैं ये डैफोडिल्स, डैफोडिल, ट्यूलिप्स, सो क्यूट, ओह माय गॉड, दे आर सो क्यूट, दे आर सच ब्यूटीफुल हायसिंथ, आर दे फ्रेश और आर्टिफिशियल, फ्रेश नहीं, फ्रेश नहीं है, चीटिंग करे थोड़ी सी, तो क्योंकि इसमें एलर्जीज नहीं है इसलिए चीटिंग करते हैं। घर के अंदर तो आप प्लास्टिक के फूल रख सकते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन अब बाहर जाओगे तो यू नो रोजेज हैं, कई लोगों को रोज एलर्जी होती है, कैन यू इमेजिन दैट, ओ माय गॉड, सूंघ भी नहीं सकते हैं, तो आप फ्लावर्स को सूंघ भी नहीं सकते हैं, फिर कई लोगों को अपनी सेंट से एलर्जीज होती है, यूडी कलोन से, सो हाँ जी, तो हम वापस आते हैं एलर्जीज किस किस से होती है, पॉलन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डस्ट, उसके बाद में डेंडर्स एंड रैगवीड,
और मैं तो बोलूंगी ग्रास, अभी आप आपके लैंडस्केप पर आएंगे, ग्रास काटेंगे, फ्रेश ग्रास निकलता है, इतना सुंदर लगता है। दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन द मॉर्निंग, जो ग्रास के पोलन्स और ग्रास होते हैं, बिटवीन फाइव इन द मॉर्निंग टिल 10 o'clock। सो ये अब हम ट्रिक करेंगे भी क्या टाइम में क्या करना चाहिए। तो ये जो सुबह सुबह होता है ना, तो आप कोशिश करिए कि सुबह ना ज्यादा घूमने जाए, जैसे ही थोड़े पॉलन सेटल हो जाए उसके बाद में घूमने जाए। तो उसके बाद में क्या होता है, कई लोगों को डॉग से एलर्जीज होती है। अब डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके डैंडर्स निकलते हैं, वो भी बाहर जाते हैं, बाहर से उनके ऊपर चिपक के आते हैं पॉलन, तो वो आपको घर में आते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, वो तो आपके बच्चों की तरह से, यू कैन गेट रेड ऑफ देम। सो इससे तो बेटर है कि यू गेट रेडी टू अटैक द थिंग्स यू कैन टू सेव योरसेल्फ। सो डॉग्स का क्या, तो आपके साथ एक कारपेट, यू नो हाउ मेनी पीपल हैव कारपेट के जो डस्ट होती है एलर्जी, सो पीपल हैव वुडन फ्लोर, सो ये एक तरह की ट्रीटमेंट है कि यू हैव अ वुडन फ्लोर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बाहर जाने से पहले क्या करना है, बाहर जाने से पहले आप देखिए कि हवा चल रही है, आपका पोलन काउंट कितना है बाहर, वो आप गूगल से निकाल सकते हैं कि आपके एरिया में पोलन काउंट कितना है। देयर इज अ ग्लोबल वार्मिंग, सो वो कहते हैं दिस ईयर द एलर्जी सीजन विल बी वेरी सिवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड। अब देखिए क्या होता है, दैट्स अ प्रेडिक्शन। तो आप देखो कि बाहर हवा चल रही है, आपके गार्डन में कितने फूल हैं, आप कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। सो डिपेंड्स ऑन पिक ए सिचुएशन वेयर दे हैव लेस एलर्जीज। सो अब हम क्या करें, सब लोगों के साथ बाहर तो जाना ही है, सो यू हैव टू एडजस्ट टू दीज थिंग। चलिए जी हम बाहर जा रहे हैं, अपने साथ में खूब पानी लेके जाइए, बिकॉज हाइड्रेशन ऑलवेज हेल्प्स। और अपने साथ पूरा टिश्यू का बॉक्स लेके जाइए, रेडीनेस की बात कर रहे हैं, टिश्यू का बॉक्स ले जाइए, क्योंकि एक आप जब टिश्यू यूज करते हैं ना नोज ब्लो करने के लिए, डोंट यूज इट अगेन, बिकॉज उसके ऊपर में भी पोलन है और एलर्जेंस है, वो अगर दोबारा करेंगे तो और ज्यादा इचिंग हो रही नोज की। तो आपने पानी रखिए, अपना टिश्यू पेपर रखिए, और अपने साथ जो भी आपकी मेडिसिन आपको काम करती है, सुबह सुबह अगर आपको सिट्रजीन, जर्टेक का नाम तो सबने सुना हुआ है, बहुत लोगों पे अच्छा असर होता है जर्टेक का, अब तो इट्स अवेलेबल ऑन द काउंटर, यू कैन टेक वंस अ डे ब्रांड, तो उससे आपकी एलर्जीज थोड़ी ठीक हो जाएंगी, और वो कहते हैं कि उससे नींद भी नहीं आती है। सो आपको देखना है कि आपको इतनी एलर्जी की मेडिसिन है, तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मेक श्योर यू हैव अ स्टॉक। आपको मालूम है ना, या ड्यूरिंग विंटर टायलेनॉल वाज आउट ऑफ स्टॉक, तो जब एलर्जी सीजन शुरू होता है तो एलर्जी मेडिसिन भी शॉर्ट में हो सकती है। बहुत तरह की एलर्जी मेडिसिन है, कोई भी ले लीजिए। नेजल ड्रॉप्स है, नेजल ड्रॉप्स होती है, उनके अंदर में या प्लेन ड्रॉप्स होती है, एंटीहिस्टामिनिक ड्रॉप, या उसके अंदर स्टीरॉयड डालते हैं, स्टीरॉयड इज लाइक ए प्रेडनिसोन, तो उससे जो है ना वो हमारे सेल ब्लॉक हो जाते हैं नोज के, तो एलर्जीज अंदर नहीं जाती। सो हैव ऑल दिस नेजल, हैव दिस, दीज आर ओवर द काउंटर। देन यू हैव स्पेशल मेडिसिन जिसको कि बहुत एलर्जी होती है, अब आप घूमने जाएंगे तो बी बाइट हो सकती है आपको, है ना, कई लोगों को बी बाइट से बड़ी एलर्जी है, और देखिए भंवरे भी घूम रहे होते हैं कहीं ना कहीं बाघों में अटैक करने के लिए, तो उसके लिए आपको, अगर आपको मालूम है यू आर एलर्जिक टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, सो हैव योर थिंग्स रेडी इन द पॉकेट बुक, या आप किसी को बोलिए, किसी फ्रेंड को या कुछ की, मुझे याद करा दे कि मैं अपना एस्मा का पाइप लेके जाऊं, मैं अपनी मेडिसिन लेके जाऊं, टायलेनॉल जो भी हेडेक के लिए चाहिए था, हैव इट विद यू, सो यू कैन हैव अ गुड टाइम इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट ओ माय गॉड अब क्या होगा, मैं तो दवाई नहीं लेके आई। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड डिपेंडिंग ऑन योर एलर्जीज, और इवन इफ यू डोंट नीड, हैव इट फॉर समबडी एल्स। बेनाड्रिल पर्स में रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेनाड्रिल आपको बता दूं थोड़ी नींद करती है, इसलिए वो बेसिक मेडिसिन है, बट बेनाड्रिल इज वेरी गुड फॉर एलर्जीज, स्पेशली इफ यू डेवलप ए रैश ऑल ऑफ अ सडन। और कई बार हमको फूड एलर्जीज का सेपरेट टॉपिक होता है, लेकिन किसी को फूड एलर्जीज हैं तो अगर आपके पास बेनाड्रिल होगी, यू कैन हेल्प देम अलॉट। सो कैरी अ बेनाड्रिल एंड इट causes sleepiness, but at least it will get rid of your allergies and you don't have to go to the emergency room. Emergency room, avoid like anything. Even the first med, jo bhi hai, city med, wo unke paas bhi jaake wait to karni padti hai na. So if you have all these things with you, you will be ready to, you know, enjoy your outdoors,
एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ मैं घर में बैठती हूँ. अच्छा और तरीका एक और भी है, आप घर में बैठिए, बाहर ही मत जाइए. ऐसे हो सकता है ज्योति जी? ऐसे हो सकता है आपके लिए? मेरे लिए तो नहीं हो सकता. तो घर में बैठना बड़ा मुश्किल है. सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर देन टू से कि मैं घर बैठे रहूंगी. सो दीज आर द सम पीपल हैव रियली वेरी सीवियर सिम्टम्स. मेनी पीपल हैव माइल्ड सिम्टम. चलो मैं चली जाती घर में आके फिर ठीक हो जाएगा, या मैं सुबह मेडिसिन ले लेती हूँ. लेकिन कई लोगों को इतने सीवियर एलर्जी होती है, दे कैन नॉट गो आउट. सो दे हैव टू स्टे होम इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में पॉलन काउंट ज्यादा होता है. एंड इफ यू आर इनसाइड द डोर, मेरा दिल करता ना बड़ी जल्दी खिड़कियां खोल दूं, आपका भी दिल करेगा ठंडी ठंडी हवा खाऊं, इट मे नॉट बी गुड. सो इफ यू आर एलर्जी सफरर, ट्राई टू कीप योर विंडोज क्लोज्ड एंड ट्राई टू you know stay away from cold or windy. जब windy season हो तो आप बाहर मत जाइए, क्योंकि उस वक्त highest count होता है. Ragweed उड़ रहे होते हैं, वो cotton के जैसे होते हैं ना, soft soft, अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन not good for you. तो उसको I know, आप microscope से देखो तो हवा में भी अगर आप देखो लगा के कितनी चीजें होंगी उड़ रही हैं. तो जी एक बात है कि allergy is not contagious, so that's good, right? Yeah, it's not contagious, but you can be born with it, na? Yeah, तो वो पता है. But अगर आपको है, आप मेरे से मिल रहे हो, मेरे को नहीं होगी. No. है आपके हाथ में कुछ allergies लगी और मेरे को allergies हो, तो मैं हम hug नहीं कर सकते. आपके body के ऊपर फोलन लगे हुए हैं, आप कहीं से घूम के आ रही हैं, और कहते आज मैं जगजी के घर चली जाती हूँ. तो I mean it's not contagious, but जिसको ये problem है, उसके लिए bad है ये. So some friends may carry with them some allergies. You don't have to, stay away. You just have to be prepared. So ऐसे तो कितनी आपने कहा है ना, तो मधु शर्मा जी भी कह रही हैं कि Benadryl is very effective. Yeah, very effective. थोड़ी नींद आ जाती है, पर कोई बात नहीं. वो आप फिर रात को लेके सो जाइए. हमको तो और कोई मेडिसिन पता ही नहीं, बस Benadryl ही पता है. किसी को जरूरत हो? I don't know. There must be. हम नाम नहीं ले सकते सबका, क्योंकि फिर वो लगता है कि हम एंडोर्स कर रहे हैं. एवरीथिंग इज गुड, बट देयर लॉट ऑफ नेजल ड्रॉप्स एंड आल्सो ज़र्टेक का मैं लेती हूँ, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिसिन एंड वेरी इफेक्टिव. तो ये और आशा जी कह रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यू चोज सच अ हॉट टॉपिक एंड शी सेड वी हैव सो मेनी पेशेंट बिकॉज़ शी वर्क्स इन हॉस्पिटल. यस, हॉट टॉपिक. अरे एक होती है, अब तो काउंटर पे बहुत मेडिसिन मिलती है, पहले नहीं मिलती थी, लेकिन आप उनका प्राइस देखो जरा जाके, $40 $30 sometimes they have coupons, you can look in this, but all these name brand things जो कि effective है and they brought on the counter are very expensive. एक मेडिसिन is called Nasocort, it has little bit of steroid. तो वो अगर ले दो, really really works very well, stuffiness फटाफट खुल जाता है. So I would say if you have allergies, it's worth it once a season. आप buy कर लो. Eyes के लिए allergen बहुत effective है, क्योंकि जब red eyes होती है, itchy eyes होती है, तो ऐसे ऐसे करने को दिल करता है. तो और बड़ी home वाली trick बताऊंगी, बड़ी simple, because I just applied last week. जब आपकी आंखें ऐसे ऐसे हो रही होती है ना, take a nice cool soft cloth, ठंडे पानी में या eyes के पानी में आंखों के ऊपर रख के आप देखना कितना सुकून मिलेगा. इट्स वेरी सिंपल, बट व्हेन यू आर सफरिंग, पुट द कूल क्लोथ ऑन योर फेस नोज, यू फील सो गुड. आई एम सो हैप्पी समबडी टोल्ड मी दैट ट्रिक. सो दीज आर स्मॉल ट्रिक्स, क्योंकि डॉक्टर नहीं बताएंगे आपको. मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी एलर्जीज होती थी, अब खत्म हो गई. पता नहीं क्यों, मे बी द हार्मोन्स वेंट अवे और समथिंग. तो मैं जब अपार्टमेंट में रहती थी, कुछ नहीं था, कारपेट से होती होगी. जैसे ही मैं लॉन्ग आइलैंड में आई, नो क्रॉस, अब मैं जब वो मेरा लैंडस्केप पर आता ना, कार मैं बाहर नहीं जाती. आई एम काइंड ऑफ एलर्जिक टू ग्रास. वो ग्रास जब काटते हैं तो वो हवा में उड़ता है ना. आई सेड मेरे को हुआ क्या, व्हाट हैपेंड टू मी, इट वाज माय एलर्जीज वर टू द ग्रास. सो नाउ आई एम ओके, आई डू गो आउट, बट आफ्टर द ग्रास सेटल्स डाउन. अच्छा सुनिए, मधु शर्मा जी कह रही है सो ट्रू, कोल्ड वाटर इज सो गुड फॉर आईज.
एंड आज हमारे बीच में पूर्णिमा देसाई जी आई हैं, उनका मैं आपको कमेंट सुनाना चाहती हूँ अभी। एक्सीलेंट एजुकेशनल नॉलेज इज बीइंग गिवन बाय डॉक्टर जग कालरा एंड ज्योति जी थ्रू हेल्थ इज वेल्थ, यू नो, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आई वांट टू बी यू टू बी अवेयर ऑफ कॉमन थिंग्स वी कैन डू। हम लोग सोचते नहीं है, हम सोचते रहे ये तो बड़ी कॉमन चीजें हैं, लेकिन कोई बार बार रिमाइंड कराए ना, देन यू टेक केयर ऑफ इट एंड यू फील गुड। आई रियली फील गुड बिकॉज व्हेन आई शेयर द नॉलेज एंड यू नो, मैं ऑफिस में जाती हूँ, नर्सेस से भी बात करते हैं, दूसरों से भी करते हैं, पेशेंट भी होते हैं, तो वो सब अपनी छोटी छोटी ट्रिक जो सफर करते हैं ना, उनको ही पता लगता है क्या करना है। अच्छा, तो अब हमने घर में नहीं रहेंगे, हमने सोच लिया घर में नहीं रहेंगे, पानी पिएंगे, आंखों में वियर डार्क ग्लासेस आउटसाइड एंड डार्क ग्लासेस हेल्प यू विद आईज। तो वैसे तो नोज से जाती है एलर्जीज, बट समटाइम्स थिंग्स स्टिक टू द आईज, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प योर आईज। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द नोज। अगर आप एक दो नाक को पकड़ के चल सकते हैं जहां से एलर्जीज है तो भी ठीक है फॉर द शॉर्ट टाइम, तो नोज के अंदर वो सेल्स होते हैं जो हमारे हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। तो अच्छा, ये भी हो गया। अब बताइए, आप कहेंगे मैंने ये सारे काम कर लिए, मैंने सब दवाई ले ली, आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट। दैट्स बिकॉज योर थ्रोट इज ऑल स्वोलन, खांसी आ रही है, क्लियर कर रहे हैं थ्रोट को, देन इट्स I won't call it serious problem, then it needs attention. Then you have to go to an allergist. Kya sinus bhi bother kar rahe hain, wo bhi ja rahe hain. Aur apne ka primary doctor hota hai na, wo, they can also prescribe prednisone. I don't prescribe very easily, kyunki prednisone ke side effect hote hain. Lekin short term prednisone, which is called a Medrol pack, is very effective if you really are suffering with the headaches and you can't breathe. The pack is very good. लेकिन अगर आपको asthma है तो आपको जरूर asthma का every day puff लेना है, भूलना भी नहीं है। Some people need it twice a day, and also steam helps. वो भी आप सुबह सुबह ले लेना, उससे भी वो cells जो है ना वो छोटे हो जाते हैं, and this way it helps to breathe. So in the morning if you take steam, that helps lot of people. So मैंने देखा कि आपको अगर वो भी ले लेंगे तो हो जाएगा। तो अगर आपके एलर्जीज, मैंने बोला प्रेडनिसोन ले सकते हैं थोड़े दिन के लिए, क्योंकि एकदम से अगर ज्यादा डोज लेंगे तो उसको धीरे धीरे कम करनी पड़ती है, सो वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू टेक इट फॉर 5 डेज एंड गेट इट ओवर विद। अब आप कहेंगे कॉमन कोल्ड एलर्जीज में क्या फर्क है, मुझे क्या पता लगे कि मेरा ये कोल्ड है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया कि एलर्जीज है। तो कई बार एलर्जीज बिकम कोल्ड क्योंकि हम बार बार ब्लो नोज करते हैं, करते करते वो उसको कोल्ड भी बन सकता है। लेकिन जो कोल्ड होता है ना वो सडनली नहीं आता, धीरे धीरे आता है, एलर्जीज सडनली आती है। कोल्ड के साथ में अगर इन्फेक्शन हो गई तो देन द चांसेस ऑफ होल बॉडी इज अफेक्टेड, एक्स एंड पेन्स, फीवर, चिल्स, दैट्स अ साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड नॉट जस्ट एलर्जीज। एलर्जीज में फीवर बहुत कम होता है, एलर्जीज में चिल्स नहीं होती हैं, एलर्जीज में आपको सारी बॉडी एक सन पेन नहीं करती, नोज होता है, आईज होती है, थ्रोट होता है, रैश होता है। तो वी कैन डिफ्रेंशिएट कि ये इन्फेक्शन में जा रहा है या कि ये सिर्फ एलर्जीज है। अच्छा चलिए, अब हमने प्रेडनिसोन भी ले लिया तो भी मुझको आराम नहीं आया प्राइमरी, अब आप एलर्जिस्ट के पास जाते हैं। एलर्जिस्ट वाले देखो 9 out of 10 टाइम्स दे गोना से यू नीड एलर्जी शॉट्स। वो पहले क्या करते हैं, उनका एक ऐसे बना होता है इंजेक्शन का, ऐसे करके ठप्पा लगा देते हैं टू फाइंड आउट व्हाट यू आर एलर्जिक टू। विद इन 48 आवर्स आपको पता लग जाता है कि उसके अंदर ना 20 होते हैं, रैगवीड हो गया, ग्रास हो गया, पोलन हो गया, उससे आपको पता लग जाएगा किस चीज की एलर्जीज है। और डॉग का डैंड्रफ है, कैट का है, कैट भी कितने लोग पालते हैं, तो आपको एक बार पता लग जाएगा ना इससे मुझे एलर्जीज है, देन यू कैन डू सम स्पेशल टेक्निक्स टू अवॉइड दैट। एलर्जीज भी आपको जो मैंने बोला स्टीरॉयड ड्रॉप देंगे, मे बी फैंसी वाली दे देंगे, एक्सपेंसिव वाली दे देंगे, बट दीज आर द ट्रीटमेंट। देन इट कम्स कॉल्ड एक्यूपंक्चर, इट्स ए सीजनल एलर्जी और पेरिनियल एलर्जी। पेरिनियल एलर्जी मीन द होल ईयर, देन यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, इट्स ए क्रॉनिक कंडीशन, यू कैन बी सफरिंग होल ईयर। तो एक्यूपंक्चर ऑल्सो आई हर्ड इज वेरी गुड, आई डोंट नो अबाउट इट, यू नो पर्सनल नॉलेज नहीं है, लेकिन आई हियर एक्यूपंक्चर ऑल्सो हेल्प्स लॉट ऑफ पीपल टू गेट रिड ऑफ क्रॉनिक एलर्जीज। सो ये भी आप देख सकते हैं।
और लास्ट रिजॉर्ट आई वुड से हिप्नोसिस, यू नो हिप्नोसिस आपको हिप्नोटाइज कर देते हैं कि दिस आर नॉट गोना बादर यू, यू नॉट गोना बी, तो आप पोलैंड में जा रहे हैं आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, इट्स लाइक अ साइकोथेरेपी काइंड ऑफ थिंग, बट मे बी इट हेल्प्स. सो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू टू अवॉइड एलर्जीज. एक बात और रह गई थी, अगर समर में हम एयर कंडीशनर लगाते हैं ना, अगर आप एयर कंडीशनर के साथ में मेक श्योर योर फिल्टर इज चेंज एवरी टाइम, वो फिल्टर से जो हमारी लास्ट ईयर की एलर्जीज थी वो निकल जाएगी. चेंज फिल्टर, दे विल रिकमेंड एवरी टू इयर्स, बट इफ यू हैव एलर्जीज चेंज इट एवरी ईयर बिफोर द सीजन स्टार्ट्स. एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू बिफोर द सीजन स्टार्ट्स. कि अब जैसे अगर आपने एलर्जी की मेडिसिन लेनी है, आपको मालूम है कि मैं नेक्स्ट वीक बाहर जाऊंगी, तो आप पहले से उसको शुरू कर दीजिए लेना, नॉट कि जब मैंने बाहर जाना है उसी वक्त लूं, पहले से ही एक दो दिन ले लो कि बॉडी को आदत पड़ जाए. सो आर वी रेडी विद द एलर्जीज नाउ? हैव टिश्यू पेपर्स, हैव योर वाटर बॉटल, हैव योर आई मेडिसिन, हैव योर नोज मेडिसिन, एंड लेट्स एंजॉय द सीजन, लेट्स एंजॉय. एकदम फूल को आगे मत लाइए, लेकिन दूर से तो सुगंध ले सकते हैं ना. एरोप्लेन ऑल्सो, तो वहाँ पे भी सर्कुलेशन होता है. बिल्कुल, जब इंडिया से चलते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं, अमेरिका में उतरते हैं तो फुल ऑफ एलर्जीज, राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हैव फूड एलर्जीज. Yes. ये जो आपने एलर्जीज की बात भी की है, मैं ये बताना चाहती हूँ, कई बार आपको पता ही नहीं लगता किससे. आई नो सम पीपल दे डिड सो मेनी टेस्ट, पर अभी भी नहीं पता किस चीज से एलर्जी होती है. नहीं, कई लोगों को अगर पता लग जाए तो नथिंग लाइक दैट. सो दैट वुड बी गुड. तो फूड एलर्जी की बात हम नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं. पीनट्स एलर्जी सबसे कॉमन है, आपको मालूम है, स्कूल में लिखा होता है डोंट ब्रिंग एनी डिश विद पीनट्स. बच्चों के साथ में जब बर्थडे माई मनाती है, उनको कहते हैं डोंट ब्रिंग एनीथिंग, बिकॉज हर बच्चे से, बच्चों को कई बार पता नहीं होता उनको एलर्जीज है. पीनट एलर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंट्री. सो दैट इज फूड एलर्जी. पर ये जो आपने बात की है बहुत अच्छी है, आपने बोला कि बी रेडी इन एडवांस, राइट? इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, राइट? सो सबको आई थिंक पता लग जाए किस चीज से, लग जाता है आई थिंक कई बार, लाइक एवरीबॉडी नोज कि कारपेट इज बैड, सो दीस डेज एवरीबॉडी इज हैविंग वुड फ्लोर और मार्बल. आपको थैंक्स, आपने बहुत अच्छा बोला और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया. एज आई टोल्ड यू, पूर्णिमा जी ने ज्वाइन किया, मधु शर्मा और सुषमा सरीन जी कह रही हैं कि आई टेक जायटेक एवरी डे, यू नो, एंड आई एम एलर्जिक टू मेनी थिंग्स. ओके सुषमा जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. या यस, एब्सोल्युटली, एवरीबॉडी शुड. तो आशा जी को भी, आशा जी भी बहुत हमारी रेगुलर हैं, हमको कमेंट देती रहती हैं, अप्रिशिएट करती रहती हैं आपके एफर्ट्स. तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. शेरी ने आज ज्वाइन किया, शेरी रॉय, गुड मॉर्निंग. हाय शेरी, एक बात भी कर सकते हैं लोगों, कई लोगों को कलर नहीं सूट करते हैं, सो व्हाइट कलर, होली कलर्स एंड ऑल दिस कलर्स, ऑल दोस एलर्जीज आर देयर, बट वो सीजनल, आपको पता होता है कि आपका कलर में क्या है. लेकिन व्हाइट, अच्छा, जब आप घूम फिर के अंदर आती है ना घर में, तो आप अपने कपड़े उसी वक्त बदल दीजिए, क्योंकि कई लोग जिनको ज्यादा एलर्जी. आई डू दैट, आई डोंट हैव एलर्जी बट आई स्टिल डू दैट, लाइक एंड देन क्लोथ्स अवे. या दोस क्लोथ्स में है एलर्जेंस, उसके बाद में जब आप वॉश करते हैं ना क्लोथ्स को, तो एंटी एलर्जी वाले यूज करिए, वॉशिंग, यू नो, जो भी आप सोप यूज करते हैं. सी इफ इट्स लाइक ए बेबी वॉश, क्या होते हैं ना, बेबी वाले सेपरेट होते हैं, टाइट सेपरेट होते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले सेपरेट होते हैं. सो ऑल दीज लिटिल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग सोचते नहीं है इस बारे में, लेकिन अगर सोचा जाए, जब कपड़े धोते हैं कपड़ों के ऊपर कुछ रह जाएगा, तो अगर एंटी एलर्जी वाला कुछ यूज करेंगे तो देन मे बी बेटर फॉर यू. या वेरी गुड. तो जग जी, हमारा टाइम भी अब अप हो गया है, और आप फिर फेसबुक लाइव पे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, यू कैन रिप्लाई. And we are going to publish our YouTube video also forever. So you can watch that also as many times on your convenience. And I forgot to tell in the start, you know, we are having Navratra going on. Aaj tumhara chhatwa Navratra hai.
बहुत अच्छे दिन है। तो मैं बताइए मेरे को उनके बारे में कुछ थोड़ा बताइए, कलर क्या है और कौन सी देवी यू नो माँ की हम यू नो पूजा कर सकते हैं। टुडे इज नंबर 6 आई थिंक, आज नंबर 6 है ना, 27 मार्च को। तो आज जो है वो कात्यानी देवी जी की पूजा करते हैं। और आज अगर आपको भोग लगाना है, उनका प्रिय भोग है शहद, तो अभी मैंने पूजा नहीं करी, अभी मैं शहद लगाऊंगी उनको भोग में। और जो उनका प्रिय फल है अमरूद, विच इज माय फेवरेट फल है। अरे लाए आते हैं पर लेकिन हर वक्त नहीं मिलते हैं अमरूद। यस, तो कलर ये माता का नाम लेना बहुत जरूरी है। एक हमारी माता है और एक ये माता जो है शेरों वाली माता, भवानी जी, दुर्गा माता। तो उन्हीं के लिए मैं दो लाइनें जग जी सुनाती हूँ, फिर आपको ही फूलों का की दो लाइनें आज सुनाना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी बिगड़ी माँ ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। ये बात न सुनी सुनाई, मैं खुद भी की बतलाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। जय माता दी, जय माता की। माता जी यू नो वी प्रे, लेकिन हमारे अंदर अगर हम हमारी माँ ना होती तो हम कुछ भी ना होता। तो माँ के ऊपर ऑफ कोर्स फादर को भी, लेकिन माँ के ऊपर हमारा सब कुछ वारना भी। शुड जस्ट थैंक गॉड इफ यू हैव अ मदर, ऑलवेज प्रे एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, जिन्होंने कि आपको शेप करा, पढ़ाया लिखाया, डांटा, सब कुछ करा। सो मदर, यस। तो आप फूलों पे गाना सुनना चाहते हैं? फूलों पे सुनाइए आज, एलर्जी पे बात की है आपने। आप कोई भेज रहे, इधर इधर से करूं, इधर से करूं, ये उल्टा जाता है, ये आपके लिए गाना। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं ये मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं ये मेरा दिल है। ज्योति मेरी मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है जुम्मे, चला गया आपके पास। वाह वाह, जगजी ने तो मेरे को भी फूल दे दिया, बाकी सबको भी, सुनने वालों को भी, सबको फूल दे दिया। देखो सच एन गुड जेस्चर। एंड आपने बड़े अच्छे कलर्स भी पहने हुए हैं, स्प्रिंग आ गया है, स्प्रिंग कलर्स। एंड थैंक यू जग जी। तो फिर अब हम 2 अप्रैल में मिलेंगे, 2nd Monday को 12 बजे, राइट? यस। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। एंड आई होप यू लाइक दिस प्रोग्राम, गिव योर कमेंट्स। थैंक यू।